मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बड़ी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं। मैं तो आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ अम्मी, और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुम वहां अकेली कैसे चले गए। भाई मुझे बताती, मैं तुम्हारे साथ चलता। फिर देखता रमशा कैसे वापस नहीं आती। तो मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी? वो लड़की तो भाभी जी की जिंदगी में ही अपनी मनमानी करती थी, अब तो उस लड़की को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। खुदा के वास्ते अब्बू, बड़ी अम्मी का इंतकाल हो गया लेकिन आपको गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? कम से कम आज तो ये सब नहीं बोले। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? हाँ, खबरदार खबरदार, अगर तुमने रमशा की जुबान बोली तो। मैं साजिद भाई नहीं हूं जो बर्दाश्त कर लूंगा, याद रखना इस बात को। नहीं, चुप जाओ, चुप जाओ, बल्कि उठो जाओ यहां से। नहीं, निकाल गाड़ी, हम चलते हैं कासिम साहब की तरफ। पता नहीं उस बदबख्त लड़की ने हमारे खिलाफ क्या क्या बात की होगी। वापस लाऊंगा मैं रमशा को यहां हर कीमत पर। गाड़ी निकाल। मुझे लगता है कि रमशा ने ना कुछ भी हमारे बारे में नहीं बताया, इसी वजह से हम यहां सुकून से बैठे हैं। अगर वो सच बता देती ना तो आप कासिम साहब से नजरें मिलाने के काबिल भी ना होते। और अगर आपको लगता है कि आप कासिम साहब के घर में अपनी मनमानी कर सकते हैं तो शौक से जाइए। वरना वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं कासिम साहब को भी देख लूंगा और रमशा को भी। लेकिन तुम याद रखना, अगर आज के बाद तुम्हारी बेटी ने इस लहजे में मुझसे बात की तो जुबान खींच लूंगा मैं उसकी। फिर गिला ना करना।